गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो गाइज, आज है मेरे ताऊ जी की बेटी की शादी और आज का जो मेरा ब्लॉग है उसी पे है। तो अब आज का है टेंट का सामान और अभी सभी गांव के लड़के मिलजुल के टेंट का सामान को ले जाते हैं और आप देख सकते हैं। तो अभी ये मंगल स्नान के लिए तैयार हो रहा है। सोलो समय है ये। दूसरी और मेहमानों के लिए खाना बन रहा है और सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। अच्छा, फोटो खींचते मुंड में धराइए। चलो अब महिला संगीत का प्रोग्राम। शादी में सभी गांव की बुजुर्ग महिलाएं दादी सब एक साथ बैठी हुई है और इधर अब खाना बनाने की तैयारी होती है शाम के लिए। तो गाइस, अब खाना बनने की तैयारी हो रही है और सभी लोग लगे हुए हैं। गांव के सभी चाचा लोग, दादा लोग और छोटे भाई सभी मिलके सब्जियां काट रहे हैं और कुछ लोग पानी को गर्म कर रहे हैं। और ये है गढ़वाल में इस तरह से खाना बनाया जाता है। यह है ब्योड़ा और इधर है बड़ी पतीली और कुछ लोग सब्जियां काट रहे हैं। और अभी यहाँ पे दाल धोई जा रही है पकौड़ों के लिए। गाइस, अब बन रही है सब्जी। तो छोटा भाई कुलदीप अभी प्याज को फ्राई कर रहा है, उसके बाद हम गोभी, मटर, शिमला मिर्च आदि की सब्जी बनाएंगे और सभी लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पर खत्री जी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। और इस साइड है आटा के डिपार्टमेंट, किसको कितना आटा दिया जाएगा और कौन कितनी रोटी बनाएगा। और अभी यहाँ पर बेदी बनाई जा रही है सभी लोग मिलजुल के। और चाची जी लोग बरातियों के लिए पकौड़े बना रहे हैं। यह है दाल की पकौड़ियाँ, ये जब खाना खाते तो एक एक पकौड़े दी जाती है। बननी है रोटी। और अब सभी गांव की नई नवेली दुल्हन, ताई, बुआ जी लोग और भाभी, छोटी बहन, सभी लोग रोटियां को बेल रहे हैं और बना रहे हैं शाम के लिए। इस तरह से सभी के लिए गांव में भोज होता है और आज सभी लोग खाना बना रहे हैं। और यहां अभी दाल रखी हुई है और बाकी लोग यहां पे परोसा ला रहे हैं और रोटी वो रखा जा रहा है शाम के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए चार पांच रोटियां। और उधर से ऊपर लकड़ी का स्टोर है और छोटी बहन भी लकड़ियां फेंक रही है नीचे। अब ये मेहंदी का टाइम है और इस वक्त शाम के लिए सभी को परोसा मिल रहा है और सभी महिलाएं बच्चे अपना परोसा पकड़ रहे हैं और घर में ले आएंगे, घर में खाएंगे। अब है सुबह का टाइम तो सभी लोग बरातियों के लिए खाना बनाने के लिए लग गए। खाना बन रहा है और इधर सब्जी बन रही है, उधर दाल और फोटो खींचो करते हुए। ये है मालिक मालेगांव के। अब यहाँ पे डेकोरेट हो रहा है, इस जगह बारात बैठेगी और यहाँ पे चेयर टेबल वगैरह लगे हैं। ये अंदर अभी तो गाइस, अब बारात आ चुकी है और अब हम बारात लेने जाते हैं। Thank you.
अभी सभी बराती पंक्ति में बैठ के खाना खा रहे हैं और इन्हें पंडित जी खान देंगे और बाकी गांव वाले सब्जी सलाद पानी वगैरह दे रहे हैं, इसके बाद पंडित जी इन्हें खाने देंगे। और अभी है बेदी, इसके बाद इन्हें सात कसमें खाएंगे और विवाहित जीवन यहाँ से स्टार्ट होगा। श्रीमती अंजू रावत इवन नहीं होने यार, तुम सब चीज उठना चाहिए यार। जा रहे बहन को छोड़ने उसके ससुराल, सभी लोग आए हुए हैं।